बिरयानी बन रही है। तो हमने सेब डाल दिए काट के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज मकर संक्रांति की तैयारी चल रहा है, मेरे घर में सफाई हो रही है, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अभी। तो आप लोग भी शायद कर रहे होंगे क्योंकि हर त्यौहार में सफाई सफाई जरूरी होती है। वैसे तो रोज़ होती है सफाई, लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है त्यौहार से, जैसे कि दिवाली ये सब हो जाता है। तो मेरे घर में कुछ भी होता है तो सफाई होता ही है, थोड़ा छोटा हो त्यौहार हो या बड़ा हो। तो खिचड़ी की तैयारी चल रही है, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आप लोग बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। आज हम लोग सब काम पर लगे हुए हैं, तो दिखाते हैं आप लोग को बाहर का। क्या चीज़ की सफाई चल रही है? खिचड़ी का, मकर संक्रांति का। सारे सफाई में लगे हुए हैं, छत पे कपड़े डाल ले, तो सफाई चल रही है अभी। कपड़े धो लिए और ऊपर डाल दिया, और जरा भी डालने के लिए मोटे आराम से जाना, गिर मत जाना। बाय बाय। यहाँ पे ये कहाँ घुस गया? चीकू यहाँ खेल रहा, दिखा मुंह दिखा। मम्मी वाटर बंद कर दो तुम। चीकू क्या कर रहे हो? चीकू इधर देखो, इधर देखो। हाँ इधर खेल रहा है मेरा। इधर मम्मी इसको फेंक दिया, उठा के पटक दिए हैं सोफे को। देखो इसमें चूहा घुस गया है। तो इसके इधर भी सफाई करनी है। ये सब टाइल सब गंदा हो गया है, तो हम ये आज साफ करेंगे। और इधर हो गई ये सफाई किचन की, तो मैं किचन में लगी थी तब से ये टाइल सब साफ़ कर दी। मैं ये साफ़ करना है, आधा साफ कर दी मैं ना। ये देख गिल्ला है अभी भी, ये डब्बा से मैं धोई हूँ बर्तन। ये सब साफ हो गया पूरा, ये देखो। तो अभी हम नीचे भी साफ़ कर दिए हैं, तो इसमें ना दाग पड़ गए हैं, तो उतना सफाई नहीं होती है। इसको घिसवाना पड़ेगा, पत्थर है तो। इधर टाइल है तो ये आराम से साफ़ हो जाता है। तो ये सब मैं फेंकूँगी बाहर, और अभी निकालने जा रही हूँ मैं ये। इसको भी साफ़ करना है, ये मिट्टी कितनी है, तो इसको भी साफ करना है। और मशीन में भी कपड़े डाले हैं, धुल गए हैं। इसमें गंदे कपड़े सब हैं, इसमें ज़्यादा गंदा पानी। और बाहर का मौसम देख सकते हो आप लोग, धूप नहीं निकल रही है कितने दिन, दो तीन पाँच छः दिन हो गए धूप नहीं निकली है। अभी हम पूरा सफाई कर लेते हैं। चीकू क्या कर रहा है? मम्मी पाउडर निकाल के सारा फेंक दे। तो देखो चीको गाड़ी बना है, ये ट्रक पे ले जा रहा अपना सामान। मम्मी मेरी काम में भिड़ गई है, मकर संक्रांति की सफाई कर रहे हैं। फिर मम्मी को सफाई के लिए बहाना चाहिए शुरू। मम्मी अगर नहीं क्यों करता है तो कहना तो बहाना चाहिए ना। हाँ अच्छा बात है ना, पावन का बहाना साफ हो जाए। लाइट कर गई लेकिन नहीं, अभी सोफा को हम पलट के रख दिए हैं, अभी सफाई करेंगे उधर और फिर इसको नीचे खड़े कर देंगे। तू फेंक क्यों रहा सारा सामान? ये ढक्कन अपने यार। ओ अभी रूम सब में ऐसे ही गंध डला हुआ है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, सेट करेंगे बाद में। तब तक हम बाहर साफ कर लेते हैं। लाइट कट गई है, मशीन बंद करो, लाइट कट गई। दोस्तों मैं आ गई किचन में और किचन की सफाई कर रही हूँ मैं। डोर बच गया था और ये नीचे सब हम सफाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया अच्छे से सफाई सारा कुछ। तो ये दरवाज़ा बच गया था तो हम इसको भी सफाई कर देते, क्योंकि अब जब एक चीज़ में लग गए तो उसको क्लियर कर ही देते हैं। तो मम्मी यहाँ पे फ्रिज का कवर निकाल रहे थे क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, तो मैं आपको दिखाई थी बहुत गंदा हो गया था क्योंकि जल्दी नहीं धो पाते ना वो, उसमें सामान सब बहुत होता है, छोटा मोटा सामान रख देते हैं इसलिए नहीं धो पाते हैं, निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो आज सोचे क्या धो ही दूँ, मशीन चल रहा है तो उधर नीतू मशीन चलाई है, दिखाए थे। और इधर मैं दरवाज़ा भी साफ कर ली हूँ, तो पानी थोड़ा बहुत गिर गया था तो नीचे मैंने पोछा लगा दी। अब मेरी किचन सफाई हो गई है और मैं अभी जा रही हूँ चीकू को मोबाइल देने क्योंकि तंग कर रहा है। तो ये मेरा किचन साफ़ हो गया है, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि बाहर गंदा है, अंदर भी आ जाता है मिट्टी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। इधर टमाटर फोड़ने पर लगा, चीकू फट जाएगा ना दादी मारेगी फिर ये टमाटर। तो रात में इसके अंदर चूहा आ गया था, तो इसको हम पलट के रख दिए हैं क्योंकि चूहा बहुत तंग करता है, तो पलट दिए हैं कि अगर होगा तो निकल जाएंगे।
तो यहाँ पे हम मैं ना ये टाइल साफ करने आई, क्योंकि सोफे के अंदर ना बहुत मिट्टी जम जाती है, झाड़ू लग नहीं पाता अच्छे से और रोज़ पोछा भी नहीं लगता है। यहाँ देखो कितनी मिट्टी है जमी हुई। तो इसका एक ट्रिक है, ये वाले फिनाइल जो है ना हमारी, तो मैं एक और वीडियो में दिखाई थी, ये बहुत काम आता है। ये देखो सारी मिट्टी हट जाती है, जितनी भी गंदी टाइल हो या कुछ भी, सारा कुछ साफ हो जाता है इससे, बहुत सफाई होती है इससे। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो मैं उससे साफ़ कर दी हल्का हल्का ब्रश लगा के, तो पूरा चमक गया ये। और मैं धो दी हूँ झाड़ू से, फिर पानी साफ़ करके सुखा दी हूँ। और अभी इसको पलट देते सोफे को, क्योंकि चीकू तंग कर रहा है। तो आधा सफाई उधर हो गई है, और इसको मैं रख देती हूँ अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो तब इसको इधर इधर झाड़ू लगाएंगे, और फिर पोछा भी लगाना है। तो उधर हम धोए हैं तो इधर भी धोएंगे, लेकिन अभी पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और चीकू का इतना सामान फेंका हुआ रहता है, खिलौना सब इधर उधर, हमेशा जब भी झाड़ू लगाते हैं ना तो इतना उठाना ही पड़ता है। तो मम्मी उधर पानी थोड़ा चला गया था, तो उधर साफ़ कर देते हैं पानी वाइपर से। तो मैं आ गई किचन में, ये सॉरी रूम में अभी। तो मैं सोची क्या ये भी सही कर लूँ, क्योंकि झाड़ू लगा रही हूँ तो फिर दोबारा बाहर भी लगाना पड़ेगा। तो घर में भी हम झाड़ू नहीं लगाए थे, तो अभी मैं बेड सेट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद बाहर भी झाड़ू लगाएंगे, अंदर भी झाड़ू लगा देंगे, लगाते ही साथ में ही निकल जाएंगे, क्योंकि दोबारा दोबारा काम करना पड़ता। तो आज काम बहुत ही ज़्यादा है, मुझे लगता है कि आज ज़्यादा टाइम हो जाएगा काम कर ख़त्म होते होते। तो 1 बज गया है अभी, तो कोई बात नहीं, अभी काम है तो करना ही पड़ेगा। और कल हम अपने घर का जो ऊपर सेल्फ है ना, उसकी सफाई करेंगे, उसमें जो हम पर्दा सब लगाए हैं ना, वो सब भी खोल के और सफाई करेंगे, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी मैं बिस्तर सेट कर दी हूँ, तो अभी चीकू मोबाइल देख रहा है इधर, तो वो साइड में खड़ा है, तो उसको मैं अच्छे से सुला देती हूँ, क्योंकि बाहर तंग करता है ना, पानी है तो गिर जाता है वो। तो उसको मैं मोबाइल देती हूँ, घर में ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चा है उसको पता नहीं चलता, पानी पे चल जाता है, गिर जाता है, फिर तो बाद में रोता रहता, चोट लग जाती है। तो मैं सेट कर ली हूँ बिस्तर, अब मैं जाऊँगी फिर बाहर झाड़ू लगाऊँगी, और उसके बाद फिर धोना है बरांडे को। वो काम तो बहुत ही होते हैं दोस्तों, आप लोग बताओ कि मकर संक्रांति की तैयारी हो गई है कि नहीं हुई है। तो मेरे घर में नहीं, सिर्फ सफाई हुई है, अभी जो बनता है इसमें लड्डू सब बनता है वो सब नहीं बना है, तो वो सब हम बनाएंगे एक दिन पहले बनाएंगे, क्योंकि जल्दी नहीं बनाते। तो दोस्तों मैं नहा भी ली हूँ और सारा काम भी हो गया है, हो गया यहाँ पे, और सब लोग ने नहा लिए हैं। मम्मी हाँ। क्या कर रहे हो? सोफा सेट कर रहे हो? सोने का जुगाड़ कर रहे हैं। मम्मी सोफा पे ही सोते हैं गर्म होने के लिए जल्दी। यहाँ मोहतरमा जा रहे हैं चावल बनाने के लिए, क्योंकि खाना खत्म हो गया है सवेरे का, तो अभी चावल बनाएंगे। तो ये देखो कितना साफ साफ लग रहा है घर सब, दिवाली की सफाई हो गई मेरी। मैं आ लूंगी, इधर भी हो गए, थोड़ा थोड़ा पानी है, पूरा धूप निकली नहीं अभी तक, हमने कपड़े धो रखे हैं इतने सारे, तो मशीन में सूख गया, थोड़ा थोड़ा धूप हवा लगने के बाद सूख जाएगी वो। यहाँ पे दोनों लड़ाई करे चिप्स खाने के लिए। एक दे दे भाई, दे दो दे दो दे दो दे दो, एक दे दे दे। यहाँ पे चावल बना रही है और हम लोग खाएंगे। कौन सा राइस बनाने जा रही हो नीतू? कौन सा राइस? वेज बिरयानी। क्या क्या डालोगी? अमरूद, केला, सेब, फ्रूट बिरयानी बनाने जा रहे हैं अभी, तो उसमें हम प्याज भी डाल देंगे, तो कोई बात नहीं, फ्रूट बिरयानी में चलता है सब कुछ। खाई आप लोग अगर खाओगे फ्रूट बिरयानी तो आ जाओ खा लो। ये देखो तैयारी कर रहे हैं, अभी खाई होगी फ्रूट बिरयानी। अभी दिखाएंगे हम लोग फ्रूट बिरयानी कैसे बनाते हैं, तो बनने के बाद दिखाती हूँ। तब तक ये बना रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? मार खाएगा, मार खाएगा फिर से, तू फिर से मार खाएगा तू, रुक चल तू चल। मम्मी मेरी देख रहे हैं बिग बॉस यहाँ पे बैठ के, कल का एपिसोड देख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हो कल का एपिसोड, जो देखे हो कल का एपिसोड बहुत फनी है, देखना जो नहीं देखे। क्या क्या डालियो? सेब, टमाटर, ये सेब, ये केला, और उसमें थोड़ा बहुत वो ये काजू किशमिश। तो यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, मम्मी देख रहे हैं। मैं चलती हूँ अपना काम करने, ये तब तक चावल बना रहा है, चावल बन जाएगी तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाए, टेस्टी है कि नहीं है। अच्छा तो बना, छोड़ बिरयानी बन रही है।
हमने सेब डाल दिए काट के। आज टेस्टी बनेगी क्योंकि आज ग्राइंडर होते हैं। हम किचन साफ करके गए थे, ये देखो क्या करके रख दी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिरयानी में थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे क्योंकि फ्रूट मीठा होता है। टमाटर से है चुकंदर टमा वो यार तीमन डाल दिए मेरे को। ये देखो कलर देखो। अभी हम चावल भी भिगो कर रखे हैं, नॉर्मल चावल ही है घर का। वो चावल अभी हमारे पास नहीं था तो इसी को ऐड कर देते हैं। मैंने सब कुछ डाल दिया था, हल्दी तेज है कैसी है, मैंने ना नमक ही नहीं डाला था। तो ये बना रहे अपना फ्रूट वाला बिरयानी, अभी हम लोग खाएंगे। इसी काम करते करते भूख लग गई थी, है ना। डालोगे ना, कब तक रेडी हो जाएगा ये? 5-10 मिनट। आप लोग भी ट्राई करके देखना, फ्रूट वाली बिरयानी 10 मिनट में रेडी हो जाता है। और मेरी मम्मी बिग बॉस देखते देखते नीचे जा रहे हैं तो मैं बंद कर दी हूँ अभी। बिच्छी को नीचे चला गया है। ये देखो कलर, तो इसमें पानी डाला है। कितने का पानी डाली हो? ये फ्रिज का सामान यहाँ पर रख दिया हमने, सफाई कर लेते तो टाइट कर देते। फ्रिज का सामान है जो कोभर में घुसा हुआ था। लग गए हैं बिरयानी में। जिसको रेसिपी चाहिए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो हमने क्या क्या डाला है इसमें। टेस्टी बहुत होता है ये। चावल कितना डाली हो? 1.5 गिलास। 1.5 गिलास में कितना पानी डालती? 2-3 गिलास। उसमें थोड़ा हल्का पानी ज्यादा हो गया था। हाँ थोड़ा थोड़ा गीला होना। तीन गिलास। तो हमें जब भी भूख लगती है ना तो कुछ सब्जी नहीं होता है ना बना हुआ, तो हम यही आसान काम करते हैं। तो आसान काम करते हैं, यही बिरयानी बना के खाते हैं। कभी अभी इसको बंद कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सीट, 3-4 सीटी के बाद इसको बंद कर देंगे फिर गैस को, उसके बाद दिखाएंगे कैसा बना है ये और टेस्ट करके भी बताएंगे कि अच्छा है कि नहीं। इधर ये सफाई कर लेते तब तक। खाने लगे अमरूद, इसको ज़्यादा तेज भूख लगी है, एक देना। लो मैंने पूरा काटा है, आधा खा लेना। मैं थोड़ी बोली थी काटने के लिए। फ्रूट वाला बिरयानी बनके रेडी हो गया है और यहाँ पे पापड़ तलने लग गए हैं, तो दिखाती हूँ। और मम्मी को हम निकाल के दे दिए हैं तो ये देख सकते हो, देख सकते हो बिरयानी। तो मैं पापड़ देती हूँ मम्मी को। मम्मी अच्छा है? यहाँ पे चीकू नीचे बैठा है, तू ठंड लग जाएगी तेरे को। मम्मी हाँ अच्छा है? किसी दवा खाने का पैसे ला। मम्मी खाना खा रहे अभी और हम लोग अब खाएंगे। हाँ।